बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं वो मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर भी करता हूँ और आप लोगों को मुकम्मल डिटेल भी देता हूँ कि आप लोग नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जानिब से जो 80 से ज़्यादा नई नौकरियों का ऐलान किया गया है पंजाब के गवर्नमेंट के स्कूल्स में, उसकी मुकम्मल तफसीलात क्या हैं। तो आप लोग अगर नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करके अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताऊंगा कि आप लोग नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो वीडियो की जानिब आगे जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आप तमाम लोगों से यही एक बात कहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और इस तरह की वीडियोज़ आप डेली देखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल जॉब रोज़ाना को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड डेली आने वाली जॉब के मुतालिक तमाम मालूमात सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप आसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और जानते हैं कि आप लोगों ने गवर्नमेंट के स्कूलों में नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने अपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है और उस ब्राउज़र में जाकर आप लोगों ने हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करना है जॉब रोज़ाना। जैसा कि मैं गूगल को यूज़ करता हूं, मैं गूगल में गया, गूगल में जाके जॉब रोज़ाना लिखा और उसको सर्च किया तो गूगल में सबसे ऊपर जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आ जाता है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, जब जॉब रोज़ाना नज़र आएगा तो आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने हमारी वेबसाइट है जॉब रोज़ाना, ये ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट में आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब की और इन तमाम जॉब्स की डिटेल मेरे YouTube चैनल जॉब रोज़ाना में मौजूद है और सब तरीका भी बताया गया है कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ स्कूल की जॉब की, तो आप लोगों ने जॉब के फर्स्ट टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस तरह का कोई ऐड आएगा तो इसे क्रॉस कर लीजिएगा, अगर एक बार क्लिक करने से ओपन नहीं होगा तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने उस लिंक के ऊपर साइट के ऊपर थोड़ी देर क्लिक करके रखना है और इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेना है, वो आसानी ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होंगी तो यहाँ से आप लोग इन तमाम इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। पढ़ने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको मज़ीद और जॉब्स के लिंक भी मिल जाएंगे और आप लोगों को मुकम्मल समझ भी आ जाएगी कि जॉब्स कौन सी हैं। अब जी क्लास 4 की जॉब भी हैं, टीचर्स की जॉब भी हैं, प्रिंसिपल की जॉब भी हैं और हेड मास्टर्स की जॉब भी हैं जो कि अनाउंस की गई हैं, जिसकी तफसील आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और मज़ीद जॉब्स के लिए आप लोग जो है मुकम्मल पेज जो है ये पढ़ लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। CTI लेक्चरर की जॉब्स का लिंक भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, मज़ीद मैंने एजुकेटर्स की जॉब के हवाले से लिंक भी जो है वो यहाँ पर दे दिया है। जॉब्स के अनाउंसमेंट डेट 15 अक्टूबर को की गई थी, अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा प्राइमरी से लेकर मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। NTS एजुकेटर्स की जॉब का लिंक भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। गवर्नमेंट्स की जॉब है, पूरे पंजाब के लिए नौकरियां हैं, मल्टीपल किस्म की जॉब्स हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं और इसका इश्तहार भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूं। न्यू लेक्चरर की जॉब्स के लिए आप लोग जो हैं वो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब असल बात है वो बात यह है कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जॉब की डिटेल आप लोगों तक पहुँच जाएँ और आप लोग आसानी हर तरह की जॉब का के लिए अप्लाई कर सकें। आप लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करवाना है, पिक्चर्स भी आपकी इंक्लूड होंगी, सिंपल पेज पर एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन पर मौजूदा सीट का नाम लिखना है जिस सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे और एप्लीकेशन में अपनी तालीम भी लाजमी मेंशन करनी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने फोल्ड करना है, अटैच करवाने के बाद इनवेलप में बंद करना है, इनवेलप के ऊपर मौजूदा सीट का नाम लाजमी मेंशन करना है और उसके बाद जो नीचे एड्रेस दिया गया है इस इश्तहार के ऊपर, इस इश्तहार वाले एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो भेज देना है। मज़ीद मैं आप लोगों से ये भी बात क्लियर करता जाऊँ, अगर आप लोग एक से ज़्यादा सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर सीट पर अप्लाई करने के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजने पड़ेंगे ताकि आप लोगों की जो सीट है वो कन्फर्म कर ली जाए और आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। तो ये देखें जी, ये आप लोगों को नज़र यहाँ पर आ रहा होगा, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए स्क्रीनशॉट लिया था ताकि आप लोग समझ सकें, वरना ये मुकम्मल इश्तहार तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेडमास्टर की जॉब, सीनियर हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं और इसके अलावा ये सारे के सारी जॉब्स के जो है मैंने इश्तहार का जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर लगा दिए हैं आप लोगों के लिए, यहाँ से आप लोग जो है वो आसानी देख लीजिएगा और सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। जस्ट आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करवाकर मौजूदा एड्रेस के ऊपर जो है वो भेज देना है। तो आप लोगों को दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर इसलिए की ताकि आप लोग इस तमाम इन्फॉर्मेशन को समझ सकें, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एक और अच्छी सी जॉब के साथ। जब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।